नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। द्रोण नगरी दनकौर और नगर पंचायत दनकौर सहित क्षेत्र भर के लोगों के लिए एक खुश खबर है। द्रोण नगरी दनकौर के पास गार्बेज मैनेजमेंट प्लांट यानी वेस्ट कचरा प्रबंधन का प्लांट लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर लाखों खर्च करेगी। वहीं नगर पंचायत दनकौर को भी इससे खासा आर्थिक लाभ होगा। यह गार्बेज मैनेजमेंट प्लांट अमरपुर गांव के समीप स्थापित होने जा रहा है, लेकिन गार्बेज मैनेजमेंट प्लांट यानी वेस्ट कचरा प्रबंधन प्लांट के स्थापित होने से पहले ही इसका विरोध होने लगा है। अमरपुर गांव के लोग इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। वीडियो में जिस जमीन को आप देख रहे हैं, दनकौर कस्बे के बाहर अमरपुर गांव और सुपरटेक सोसाइटी के बीच की जमीन है। इस जमीन पर आजकल पशु चर रहे हैं। इसी जमीन पर गार्बेज मैनेजमेंट प्लांट बनना प्रस्तावित है। दनकौर नगर पंचायत को 10 बीघा जमीन का अलॉटमेंट जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने किया है गार्बेज मैनेजमेंट प्लांट के लिए। दनकौर कस्बे का कचरा इस मैनेजमेंट प्लांट पर पहुंचेगा। 3 अलग अलग भागों में गीला कचरा, प्लास्टिक कचरा और कांच लोहे के कचरे को अलग अलग करके यहाँ एक मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट से होने वाली आमदनी से जहां नगर पंचायत दनकौर को आर्थिक लाभ होगा, वहीं वेस्ट कचरे का भी सही ढंग से प्रबंधन हो सकेगा। लेकिन अमरपुर गांव के लोग इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं। गांव में रविवार की शाम एक बड़ी पंचायत हुई है। गांव के सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया है। गाँव के लोगों का कहना है कि वह गाँव के समीप वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को नहीं लगने देंगे। वे इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। जिलाधिकारी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम से भी इस प्लांट को गांव के पास नहीं लगने की गुहार लगाने की बात गांव वाले कह रहे हैं। गांव वालों ने कोर्ट जाने तक की भी धमकी दे डाली है। वहीं संबंध में दनकौर के चेयरमैन अजय भाटी का कहना है कि यहाँ वेस्ट कचरे का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जाएगा। कचरे को दनकौर में ही 3 अलग अलग भागों में करके इस प्लांट पर पहुंचाया जाए। प्लांट में कचरे की रिसाइकलिंग की जाएगी और रिसाइकलिंग से बनने वाला जो उत्पाद है उसे काम में लाया जाएगा। लेकिन ये बात गांव वालों की समझ में नहीं आ रही है। आइए गांव वाले क्या कहते हैं सुने। हमारे गांव की जमीन डीएम ने आदेश करके दनकौर नगर पालिका को दे दी गई है कूड़ा डालने के लिए। पूरा गाँव और हमारा युवा संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और डीएम और सीएम योगी जी से अनुरोध करते हैं कि इस कूड़े को यहाँ से उठाकर कहीं दूसरी जगह डाल दिया जाए। गांव के नज़दीक है, हमारे गांव का शमशान घाट है, इधर राजपुर गांव का शमशान घाट है, उसके पास में सुपर टैग बसी हुई है। आबादी के बीचों बीच ये कूड़े का जो कचरे का जो स्थान जो उन्होंने जमीन अधिग्रहण की है, चयनित की है, हम उस पर कब्जा नहीं होने देंगे। इस काम पर जो पूरा गांव और हमारा संगठन पूरी तरीका से उसके विरुद्ध है, प्रदर्शन करेंगे और डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और सीएम योगी को भी ज्ञापन देंगे इसके। तो आपने देखा और सुना, अमरपुर गांव के लोग किस तरह पंचायत करके गार्बेज मैनेजमेंट प्लांट का विरोध कर रहे हैं। हालांकि यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना के तहत ही नगर पंचायत को जमीन आवंटित हुई है और नगर पंचायत इस जमीन पर गार्बेज मैनेजमेंट प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। अमरपुर गांव के पास यह वेस्ट कचरा प्रबंधन का प्लांट लगेगा या नहीं है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल गांव वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। आसपास की बड़ी खबरों के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स।